औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आज जन आक्रोश यात्रा का आगमन हुआ। अपने निर्धारित समय से 3 घंटे विलंब से आई यात्रा के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता मंडलावदा टोल नाके पर झंडे बैनर और ढोल ताशों के साथ इंतजार करते नजर आए। करीब 8 बजे यात्रा का रथ और सैकड़ों वाहनों का काफिला टोल नाके पर पहुंचे। पीथमपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत मंच से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, युवा कांग्रेस के विक्रांत भूरिया, प्रदेश महासचिव कुलदीप बुंदेला, जिला अध्यक्ष कमल पाटीदार आक्रोश रथ पर सवार हुए। यात्रा में सैकड़ों युवा कांग्रेस के झंडे लिए मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। जन आक्रोश यात्रा का इंडोरामा सागर पर कांग्रेस जनों द्वारा स्वागत किया गया। कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश की शिवराज सरकार को आदिवासी विरोधी बताया गया। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए भूरिया ने कहा कि प्रदेश भर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और शिवराज सिंह को नजर नहीं आ रहा। टोल नाके से जैसे ही यात्रा पीथमपुर के सीमा में प्रवेश करी, यात्रा मार्ग के आगे नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने पीथमपुर यात्रा मार्ग पर हर चौराहे पर पुलिस के अधिकारी व जवान ट्रैफिक व्यवस्था संभाले हुए थे ताकि महू नीमच मार्ग पर जाम की स्थिति न बने। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी बता, आज ये जन आक्रोश यात्रा निकली है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि जो भाजपा के ने भ्रष्टाचार किया है और 50% की जो सरकार इन्हें चली है उसके विरोध में जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली है। आज हमारे कांग्रेस के जितने भी भाई लोग हैं सभी एक मंच होकर के और आक्रोश यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। आपका नाम? सुरेश पटेल, अध्यक्ष प्रतिनिधि पीथमपुर नगर पालिका। शिवराज सरकार की जो 18 साल की जो सरकार है उसी का जन आक्रोश है और उनके जो घोटाले हैं वही अब पूरी जनता उजागर करेगी। इसमें उनके जो गैस के दाम है, पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, सारे जितने भी घोटाले हैं उनको पूरी जनता जवाब देगी। अभी आक्रोश यात्रा खेत से लेके बड़वानी खरगोन होते हुए भारतीय जनता पार्टी 18 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार, आतंक, महंगाई और नौजवान हमारे बेरोजगार भटक रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और आदिवासी भाई के साथ मतलब जैसे नेमावर में कितना बड़ा पूरा परिवार को मर दिया, ऐसे कई जगह पर घटना सीधी में आदिवासी के मुंह में पेशाब कर रहा था भाजपा नेता मंडल अध्यक्ष, तो ऐसे सारी घुसा और हमारे आदिवासी भाइयों के कर्जे माफ करना चाहिए सरकार को, वो कर्जे भी माफ नहीं कर रहे, नौजवानों को नौकरी भी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही, आम आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, इसी कुशासन की सरकार को तत्काल उसको अपन को हटाना है और कांग्रेस सरकार लाना है। इसीलिए हमने जन आक्रोश यात्रा लेके हम लोग निकले हैं और जन समर्थन जबरदस्त मिल रहा है और भाजपा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।